लद्दाख में भारत चीन के बीच चल रहे सीमा तनाव के बीच चीन के एक सैन्य एक्सपर्ट ने भारतीय सेना की जमकर तारीफ की है। चीन के सैन्य विशेषज्ञ ने कहा कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा अनुभवी पहाड़ी सेना है। सीमा पर जारी गतिरोध के बीच चीन की सेना के एक विशेषज्ञ ने भारतीय सेना की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की है, जो विरले ही देखने को मिलता है। विशेषज्ञ की माने तो भारत के पास पठार और पर्वतीय इलाकों के मामले में विश्व की सबसे बड़ी और सर्वाधिक अनुभवी सैन्य टुकड़ी है, जो तिब्बत सीमा पर इस तरह के क्षेत्र में उपयुक्त कुछ सर्वश्रेष्ठ हथियारों से लैस है। मॉडर्न वेपनरी पत्रिका के वरिष्ठ संपादक हुआंग गुआनची ने चीन के एक पेपर .cn द्वारा प्रकाशित एक लेख में लिखा, वर्तमान में पठार और पर्वतीय सैनिकों के मामले में विश्व में सबसे बड़ा और सबसे अनुभवी देश भारत है, न कि अमेरिका, रूस या अन्य कोई यूरोपीय शक्ति। उनकी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत और चीन के सैनिकों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक महीने से अधिक समय से लगातार गतिरोध बना हुआ है। हुआंग ने लिखा कि 12 डिवीजनों में 2 लाख से अधिक सैनिकों के साथ भारतीय पर्वतीय बल दुनिया में सबसे बड़ा पर्वतीय लड़ाकू बल है। चीन के विशेषज्ञ ने कहा है कि भारत की पर्वतीय सेना के लगभग हर सदस्य के लिए पर्वतारोहण एक आवश्यक कौशल है। इस काम के लिए भारत ने बड़ी संख्या में निजी क्षेत्र से पेशेवर पर्वतारोहियों और शौकिया पर्वतारोहियों की भर्ती भी की है। सियाचिन में भारतीय सेना की मौजूदगी का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में 5000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर सैकड़ों चौकियां स्थापित की हैं और वहां 6 से 7 हजार लड़ाके तैनात हैं। सबसे ऊंची चौकी 6749 मीटर की ऊंचाई पर है। आगे उन्होंने कहा कि भारतीय सेना खरीद और घरेलू अनुसंधान एवं विकास से तैयार बड़ी संख्या में ऐसे हथियारों से लैस है जो पर्वतीय और ऊंचाई वाले इलाकों में परिचालन के लिए उपयुक्त है। हुआंग ने लिखा है कि भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के बीच कई मतभेद हैं, जिसके चलते भारतीय थल सेना ने खुद को अमेरिका निर्मित AH-64E लागबो अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर से लैस करने का फैसला किया है, जिससे कि उसे पूरी तरह से वायुसेना की हवाई पट्टी पर निर्भर न रहना पड़े। भारतीय सशस्त्र बलों में खामियों के बारे में उन्होंने लिखा कि उदाहरण के लिए भारतीय सेना हथियार प्रणाली में पूरी तरह से सक्षम नहीं है, खासकर तब जब भारत पश्चिमी क्षमता का इस्तेमाल कर बड़ी संख्या में अत्याधुनिक हल्के हथियार खरीदता है तो गोला बारूद की आपूर्ति एक बड़ी समस्या बन जाती है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।